रमन कुमार मर्डर केस जो कि एक शादी के बीच एक नौजवान दा लड़कियां नु छेड़ रहे कुछ शरारती अंसरां नु रोकण ते उहदा बेरहमी दे नाल कतल किया गया। लाइव देख रहे हो तुसीं तस्वीरां कि टाली मोड़ पुलिस पब्लिक स्कूल दे बिल्कुल कोल जो है रोड में जाम कर दिया गया है और जो परिवारक मांग है कि जल्दी तो जल्दी कल्प्रिट्स नु पकड़िया जाए। और तुसी देख रहे हो कि सारे ही इलाके दी जितने भी पब्लिक है वो सारी इकट्ठी है और इकट्ठे होके सारे इत्थे बैठे ने इंसाफ की मांग कर रहे ने। और चार महीने की बच्ची है रमन कुमार दी और उन्होंने जो बीवी है चार महीने की बच्ची वो छड़ के चला गया है। लाइव तस्वीरें तुसी देख रहे हो अरसपुरा रोड जो कि ब्लॉक कर दी गई है पिछले करीब डेढ़ दो घंटे। काफी सारी टीवी देख रहे सारे दर्शक तुसी देखो कि जो रमन कुमार मर्डर केस सी उहदे काफी ज्यादा बंदिया ने जो मिलके इसनू बहुत ही बेरहमी दे नाल जो मार मार के कतल कर दिता है। कारण की सी कुछ मीडिया वाले ये दस रहे सीगे कि एक डीजे दे गाने दी करके ये सब कुछ होया लेकिन इत्थे आके जो सानू पता चलिया है सच्चाई कुछ होर ही निकली। सच्चाई ये दसदी है कि इस रमन कुमार दी जड़ी हत्या की गई है एक बहुत ही बेरहमी दे नाल वो कारण ये सी कि रमन कुमार एक कुछ जो शरारती अंसर उत्थे ब्याह शादी सी चल रही उहदे विच जड़े कुछ युवतियां नू छेड़ रहे सी जदी करके इस रमन कुमार ने अगे आके ते बोलिया और उसकी बेरहमी दे नाल मार मार के करीब करीब कहा जाता है कि 40 तो वध लोगों ने उसनू जड़ा है वो कुटिया है। सिर्फ रमन कुमार ही नहीं रमन कुमार दे जड़े पूरे परिवार दे नाल हाथापाई की गई और मार कुटाई की गई। रमन कुमार का जड़ा एक भरा हैगा उहदे भी सट्टा लगिया ने थोड़िया ने बहुत ही ज्यादा सट्टा लगिया ने बहुत ही एक जालमाना जिहा एक हमला किया गया सी रमन कुमार दे पूरे परिवार दे उत्ते। रमन कुमार दे भरा हैप्पी कुमार का भी कहना है कि बहुत सारे जड़े शरारती अंसर सी उन्होंने आके उन्होंने घर के उत्ते भी हमला किया इवन इत्थे तक कि चार महीने की जड़ी बच्ची सी रमन कुमार दी अते उन्हां दी जड़ी वाइफ सी उहदे उत्ते भी हमला किया गया। चार महीने की बच्ची तुसी देख रहे हो बिल्कुल तुसी देख रहे हो सामने चार महीने की बच्ची है रमन कुमार दी। इस तो हजे तक यह भी नहीं पता कि यह सब हो की रहा है। तो जो मंग है परिवार की इत्थे दे जिहड़े सरपंच साहब सारे इकट्ठे हुए ने उन्हां दी मंग जिहड़ी है बीडीसी चेयरमैन वो भी इत्थे बैठे ने आओ इन्हां दे नाल गल करदे हां कि इन्हां दी आखिर मंग की है। सरपंच साहब तुसी इत्थे बैठे हो कल दा तुसी चल रहे हो असीं देख रहे हां कि अज सवेर दा भी तुसी इत्थे रस्ता बंद करके बैठे हो की डिमांड है और की चाहुंदे हो तुसी? साडी देखो बाकी कोई डिमांड नहीं कोई डिमांड है ओ जो उसदा परिवार तहसीलदार अरसपुरा भी इत्थे आए सी उन्हां दे नाल तुहाडी की गलबात होई? उन्हां गया आश्वासन दे रही लेकिन थले सब आश्वासन ने कुछ नहीं अलावा कुछ खाली लाली बाबू अलावा कुछ नहीं लग सकता। तुहाडे नाल बीडीसी चेयरमैन भी बैठे ने बीडीसी चेयरमैन साहब तुहाडा की कहना है इस मामले दे बारे? तहसीलदार साहब ने तुहाडे नाल भी गलबात कीती है की कहा उन्होंने? पहले तो सानू बड़ा दुख है रमन जी की इस तरह हत्या हुई है ये बड़ा एक दर्दनाक किस्सा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि सारे सामाजिक लोग हैं समाज से इकट्ठे रहना उठना बैठना होता है इस तरह की एक्टिविटियां बड़ी कहीं कंडेम करनी है इस तरह की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। दूसरी गल रमन का जो परिवार है पूरा हेल्पलेस हो गया इवन कि उन्होंने घर कमाने वाला बंदा कोई नहीं है उन्होंने छोटी जी बच्ची है। सर एक ही डिमांड है गवर्नमेंट अगे डिपार्टमेंट अगे एडमिनिस्ट्रेशन अगे कि परिवार को कंपनसेशन दी जाए हालांकि जी मिसिज पढ़े लिखे ने हो सके
लेकिन अगर ना भी हो कम तो मिनिमम तो उन्होंने मिले ताकि उन्होंने घर का पालन पोषण हो सके। सो साड़ा यही कहना है कि वैसे तो उन्होंने उन्होंने जी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से जॉब मिलना चाहिए क्योंकि बेरहमी के नाल कत्ल किया गया है। ये कोई छोटी गल नहीं है, एक कतल है। अगर उन्होंने बस चलता जिस तरह की सारी पब्लिक दस रही है कि उन्होंने अगर बस चलता वो 40 to 45 लोग सके 40 to 45 बंदे एक घर के उत्ते भी हमला करते हैं और सारे परिवार को भी खत्म कर सकते थे। क्या उन्होंने पकड़न वास्ते तुसी कोई पुलिस के ऊपर प्रेशर पा रहे हो या नहीं? पूरा समाज का एक मैसेज भी है तो प्रेशर भी है जिन्हें कॉर्पोरेटर ने उन्होंने पकड़ा जाए उन्होंने उचित कार्रवाई की जाए। सरपंच रविंदर जी तुसी भी इत्थे बैठे हो तुसी की कहोगे इस मसले के बारे च? जिदा कि तुहानू साडे बीडीसी चेयरमैन और सरपंच साहब ने दसिया कि साड़ी जो अक्यूज्ड हैं वो पुलिस अपना प्रशासन जो है काम कर रही है और उन्होंने और गति तेज करन दा इस रोड ब्लॉक करन तो बाद उन्होंने अपनी गति तेज की है पकड़ पकड़ान दे विच और साड़ी इको ही मैन डिमांड है कि इस रमन दे फैमिली दे विच इको ही मैंबर सी रमन जो कि इहदे घर दा निजाम नूं चलांदा सी। मैं समझता हाँ कि अगर प्रशासन के अगे साड़ी पब्लिक दी और सारे ही सरपंच साहबाना दी इत्थे इको ही डिमांड है कि उन्होंने वाइफ जो है पढ़ी लिखी है उन्होंने कुछ योग उस योग जो जायज बनता है जो प्रशासन के हाथ के बीच भी है वह आके इतने डीसी मैम आके अनाउंस करे ते प्रशासन जो पब्लिक है इतने की बैठी दी है असी अपनी डेड बॉडी को लैके अपने रीति रिवाज के नाल इन्हों का संस्कार करिए। तो तुसी देख रहे हो कि रस्ता जो ब्लॉक किया गया है आरएसपुरा रोड दे विच असी भी चाहते हैं कि प्रशासन के अगे एक मंग रखते हैं अपने चैनल की तरफों भी कि जल्दी तो जल्दी इस मसले को हल किया जाए और रमन कुमार का जो परिवार है वह हुण हैंड टू माउथ हो चुका है क्योंकि रमन कुमार ही एक ऐसा बंदा सी जिहड़ा इस घर दे विच कमाई करता सी ते इन्हां दे घर का खर्चा चलता सी। ते असी तुहानूं दस दईए कि डीसी साहब नूं इत्थे बुलाने की जिहड़ी है इन्होंने अपील की है कि अगर डीसी साहब इत्थे आउंदे हन ते कोई भी अगर इसका हल कढ़दे हन ते इह इस रस्ते नूं खोल सकते हन। ते तहसीलदार आरसपुरा भी आए सी बट उन्हां दे नाल कोई गलबात इन्नी सिरे नहीं चढ़ी। तो ये तुसी देख रहे हो सारियां लाइव तस्वीर आपसी साई टीवी दे उत्ते। और कोई ते आओ वकील कहना है कर लो हुआ ये था कि रमन कुमार जो पंचायत मलिकपुर का रहने वाला है और मैं भी उसी पंचायत से बिलोंग करती हूँ। एक बड़ी विडंबना की बात है कि तुम देख रहे हो लाइव तस्वीर रमन कुमार के मर्डर केस के मसले के विच रस्ता बंद किया गया है। साढ़े नाल जुड़े ने विद्या मोटन जी डीडीसी मैंबर विद्या मोटन जी तुसी दसो जी तुसी इस मामले दे विच की कहना चाहोगे क्योंकि एक बहुत ही घिनौनी हरकत जड़ी है एक कुछ ग्रुप दे वजों कीती गई है एक ब्याह शादी दे विच अगर कोई बंदा किसी लड़की नूं छेड़दिया होया किसी नूं रोकदा है तो क्या इस समाज दे विच इसे तरह सजा दे के उसकी हत्या कर दी जाएगी? तुसी की कहना चाहते हो? मैं तो यही कहना चाहनी हूं कि जिस तरह आज रोड के उत्ते इन्हों आना पिया मैरिज शादी से अगर कोई चाहता है तो खुशी नाल जाना मैरिज देखनी घर आना लेकिन ऐसा कदे नहीं होना लड़कियां नूं छेड़िया जा रहा सी और रमन कुमार ने अपनी दलेरी दसदे होए एक अपना फर्ज समझदे होए उन्होंने रोकिया जिसके कारण उसकी इन्नी निर्मम हत्या की गई है। तुसी की कहोगे इहदे बारे जे डीजे वाला कोई मसला नहीं है ये फैमिली ने सारा क्लियर कर दिता है थले पूरी चौकी सच्चा
मेरा यो कहना है कि जिना लोग जेडे लोग किसी की धी भैन अगर छेड़ते हैं तो इन्हें रमन जी जहां अगर फैसला किया फिर इन्होंने अपनी धियां भैन सुरक्षा देनी है उन्होंने बचाना है उन्होंने को इन्होंने बिलकुल अच्छा किया वजह नाल ही हत्या नहीं की जानी चाहिए और मैं इो कहगी कि परिवार छोटा जा बच्चा है मदर है भैन और उन्होंने रोड से आके बैठना पा तो मैं इो कहगी कि बिलकुल इंसाफ होना चाहिए और परिवार है उन्होंने मतलब पूरा हक दिता जाए और जिन्होंने इन मारिया है उन्होंने सजा जी जरूर दी जाए सरपंच साहब मगर ये अपनी कि रमन कुमार जो है सर जिसकी डेथ हुई है कतल हो उन्होंने परिवार के पूरे ही बरादरी समाज की एक डिमांड है बुलंद आवाज गल करते हैं रमेश जी और कि उन्होंने कोई ना कोई इस तरीके दे नाल योग जो चीज बनती है वो कोई ना जड़ा कोई ना कमान वाला ना कोई पालन पोषण करने वाला ब्रेड डोनर ही है हां पूरा परिवार हैंड टू माउथ है जो भी उचित ओदी छोटी बेटी रहेगी मां-बाप बेड पर ना बिल्कुल मतलब कोई काच नहीं कमाने वाला जो कंपटीशन ऋषि कपूर सभी एज पर ओदे प्रोफेसर साहब कने जो ओदी मिसेज एमबीबीएड ने जो भी एडमिनिस्ट्रेशन तरफ क्वालिफिकेशन के ही मुड़े दी क्वालिफिकेशन कितनी थी 12th पास 12th पास देखो मैं कोई ऐसा तुमने ने कोई गलत सिफारिश कराना वो नहीं है जो कर सको सही है वो करना सर सकने और तुम्हें पता है कि सारे ही पता है हिमल ले जो कुछ भी लड़ाई होती है गवर्नमेंट की तरफ कोई ऐसा नहीं होता है ऐसा नहीं होता है लेकिन जिन्हें तुम्हें भी सुनाया मेरा भी दिल जोड़ा ना वो पिघल गया इन्हें मुड़ा प्राइवेट कंपनी काम करता था उत्थां है कोशिश करी सकते हैं पूरी वाइफ भी उसे मिली जनाब यानी कि अपना प्राइवेट सेक्टर है जनाब ये दसोगे जनाब के उपलब्धि देने लगने की जो तुम उसे सिफारिश करोगे तो बच्चा उसे लग जाएगा बच्चा गया बच्चे उंगली चुकना चाहता ना बेचारे अपना काम बिलकुल वधिया कर रहे लेकिन एक छोटे जे मुलाज ने गलती की चलो वो गलती जनाब चेक कर लेंगे गलती लेकिन जो जनाब ए सुभाषण ना कुछ नहीं होना ना कुछ बनना जी हेलो
मैं बीडीसी चेयरमैन ब्लॉक से दिलीप बोल रहा हूँ। सर यहाँ पे एक चल रहा है टाली मोड में, एक डेथ होगी हमारी यहाँ पे एक बच्चे की, हजारों लोग यहाँ पे इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं, एसडीएम साहब भी आए हुए हैं, पुलिस प्रशासन सारा आए हुए हैं, पर हमारी जो एक ही डिमांड है वो कोई पूरी नहीं कर पा रहे हैं, ना तहसीलदार साहब से कोई आश्वासन मिला, ना एसडीएम साहब से मिला। अब हमारा यही कहना है कि डीसी साहब आए और आके यहाँ हमसे बात करें। डीसी साहब एक चीज मुझे बताएं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, हम यही कहते हैं कि जल्द से जल्द आए सर। बेसिकली क्या है कि बच्चा बताइए ना, एक चीज बताइए सरकार की ही बात है, आते ही कंपनसेशन दे देना किसी, नहीं आश्वासन तो दिया जा सकता ना उसका, आश्वासन आपको दे रही है ना एसडीएम तहसीलदार की, उसके डॉक्यूमेंट्स जो है हो जाएंगे और फिर उसमें जो भी आगे प्रोसेस वो चल जाएगा। अभी आप एक रिटर्न में दिलवा रहे हैं, सोचाएं ऐसा ना करें। देखिए हमें भी दुख है, बट अभी ये रोड बंद करके हम किसी रोड को इस मुसीबत में ना डालें कि उनका कोई बच्चा हॉस्पिटल ना पहुंच पाए जरूरत के समय। नहीं वो हम आपकी बात समझते हैं और हम भी इसको अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन जब तक हमें आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम कैसे। आश्वासन आपको दे रहे हैं ना, एसडीएम खड़े हैं वहाँ पे। सर क्या बोल रहे हैं? ये हमारे सरपंच सर, सर हमारे जो पंचायत के सरपंच उनसे बात कर रहा हूँ। पंचायत का सरपंच बोल रहा हूँ सर। मेरा एक इशू था सर, आज से 4 साल पुराना, तो एसडीएम साहब ने जो लिख के मुझे दिया और आज तक उसका मुझे क्लियर नहीं हुआ, तो मैं आज कैसे मान लूं एसडीएम साहब को? डीसी साहब आएंगे तो मेरा मसला हल होगा, ऐसे मसला नहीं हल होगा जो आपने करना प्ली कर लेंगे पुराने कहने जो अभी आई प्लाई नहीं, जो हमारा बच्चा मरा हुआ है, उसका छोटा बच्चा है, आप बताइए उसको उसका कैसे पालन पोषण होगा? इनके अपना 20 साल की 22 साल की उसकी बीवी है, माँ बाप बेड पे पड़े हैं, प्योर मेंटली डिस्टर्ब है, कैसे चलेगा इनका सिस्टम? एक निर्दोष बच्चा मार दिया है। बिल्कुल है, और इस पे बंदे को अंदर किया भी गया है और बाकी पुलिस की तरफ से कोई हमें कोई शिकायत नहीं है, बिल्कुल पुलिस की तरफ से वो तो ड्यूटी कर रही है, पुलिस हमें ड्यूटी कर रही है, पुलिस की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमारा एक ही है कि इस बच्चे को कोई ना कोई हमें कंपनसेशन का कोई ना कोई हमें आश्वासन मिले। डीसी ऑफिस आ जाए, आप आ जाए, मैं मैडम से मिला देता हूँ, ठीक है? अभी मैडम हाई कोर्ट की अमेरेंस में गई हुई है, मैडम वहाँ से निकल के नहीं आ सकती है अभी। Okay. नहीं आ सकती तो रोड में बैठे हुए, ठीक है सर, रहने दीजिए बंद। जी जी, ये कौन है नाराज हो रहे हैं? ये वही लेटर मामे का लड़का है, वो फैमिली के मेंबर हैं, फैमिली मेंबर सर, सारे फैमिली के मेंबर। अच्छा, फैमिली मेंबर हैं सर, फैमिली मेंबर हैं। देखिए समझिए हमारी बात। जी जी, जो हुआ गलत हुआ, और आपको एसडीएम एक सीनियर ऑफिसर है, वो वहाँ खड़ा है, एश्योरेंस दे रहा है कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो अभी आप एक रिप्रेजेंटेशन दे देंगे वो हम तक आ जाएगी, और फिर इनको अगर आपने मैडम से मिलाना है आप इनको ले आए जो क्लोज फैमिली मेंबर है, मैं तो कहता हूँ फाइनल राइट्स करके लाइए, बट अगर आप चाहते हैं अभी मिलना तो आप ले आए डीसी ऑफिस में, मैं भी यही हम मैडम से भी मिला देते हैं और जो इंश्योरेंसेस चाहिए आपको यहीं पे दे देते हैं। बट फर्दर एक जैसे रोड को बंद करना, उसमें लोगों को प्रॉब्लम होती है, लोगों को कईयों को हॉस्पिटल जाना होता है, वो प्रॉब्लम नहीं, वो तो वो हम समझते हैं, दूसरा प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं है ना। जी जी, ठीक है, तो थोड़ा सा समझाइए इनको, अभी उठ जाए, और मैं तो कहता हूँ जो गया है उसको इज्जत से रवाना करें और फिर आ जाए हमारे साथ। चलो हम देखते हैं, ठीक है? जो हो ही गया है वो तो कोई नहीं, उनको है बस ही नहीं है ना, बात नहीं है। और तुसे मेरी सुनो ना, मेरी सुनो, साहब गल सुनो, क्या गवर्नमेंट को कोई ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि ओना दा के रोटी वास्ते कोई जुगाड़ हो सके? बड़े लिखे हर जगह होता नहीं, सुनिए भी देखो, अंदर दाना तौर पे भी तुसी रिकमेंड करो पे उन्होंने कोई नौकरी दे, वाइफ ने कोई कम से कम उधर पे जुगाड़ दे, रोटी बोल रहे करेंगे हम कह रहे हम देते हैं आपको, आप रिकमेंड करो उस चीज को, इनके परिवार को कंपनसेशन मिलनी चाहिए, बिल्कुल दे देंगे रिकमेंड करेंगे, एक ड्राफ्ट को साफ ड्राफ्ट अगर मेजी ने पढ़ी है, ड्राफ्ट को जॉब ने पूरी को काम दे, एक मिनट सर, एक मिनट रमेश जी बोलो, जो चाहिए हमें जहीं रिटर्न पे चाहूंगे, एक मिनट यार, एक मिनट गल आप कर लो, या तो आप कल आपकी प्लीज बात कर रहा हूँ, आपकी ट्रांसफर हो जाएगी ना, एक बात कर रहा हूँ, आपकी हो जाएगी ट्रांसफर, ट्रांसफर हो जाएगी तो बाप का जो पेज आपने जो लालफाए बोले ना वो यहीं पे मिट्टी हो जाएंगे, हमें रिटर्न पे जो देना आप रिटर्न में दो, उसके बाद देखते हैं हम जाकर। एक
इनकी फैमिली की तरफ से आने दो ना, वाइफ की तरफ। सर वो आदमी आप रिटर्न में आप आए हो ना अभी, हाँ। आप रिटर्न में हमें यहाँ पे दो जोर देना चाहते हो, हम देख रहे क्या, उसके बाद आप जब एक मिनट में यहाँ से उठ जाएंगे, कुछ चक्कर नहीं। देखो हम मैडम को बोलते हैं, उनको बोलेंगे कि मैडम ये पहले बात करो, उसके बाद ऐसे नहीं, अभी बात नहीं होगी मैडम से, मैडम मीटिंग में डिसीजन बात कर लो सर, डिसीजन बात कर लो सर, एक मिनट, कोई एडमिशन सर कोई ऐसा ऐसी कोई ट्रेजी हो हिंदी से क्या उसे, यानी कि अपना सिस्टम पूरा आपस में क्या कहो, एक दूसरे संभाल लो नहीं है कोई सर, बट मैं कर करना है समझदार बंदे हो ना, रोड अल्टीमेटम सोल्यूशन नंगा है, अस तुंदे कन्ने सहमति तुंदे कन्ने सर, ये सहमति सहानुभूति बड़ी माड़ी है, नहीं सर नहीं प्लीज रिप्लाई नहीं, प्लीज रिटर्न रिटर्न नहीं करूंगा, रिकमेंड करूंगा ना मैं, जो भी करना आप दो हमें पांच मिनट में, दो पांच मिनट में रोड खाली करवा दो, हम रिकमेंड करेंगे तो वो तो आपके हाथ में रहेगा ना, हम ट्रांसफर हो जाए वो तो तुम्हारे हाथ में रहेगा ना, मेरी गलती हो गई, मैं तो माफी दे दियो, मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई तरीका नहीं है ना, तुसीं सानू अगर पक्का ठोस दिंदे असीं एक मिनट दे विच डंगर थोड़े रखे रोड दे विच, साडा बच्चा है रोड दे विच, इह बना रहे हैं एक मिनट बनाते, जो हम कह रहे हैं वो आप रिटर्न में, एक मिनट बोलिए तुसीं सर, जो हम बोल रहे हैं आपको कि हम जो है आपका केस आगे रिकमेंड करेंगे, और फॉर एनी कोई भी गवर्नमेंट हम वो चीज आपको रिटर्न में लिख के, सुन लो पहले गलत है बोलो, रिटर्न में अगर कोई 20-10 लोग ले, कितना टाइम लगेगा, मैं लिख के दे दूंगा, दे रहे हैं दे रहे हैं, लिख के दो ठीक है, लिखो सर लिख के दे दो, लिख के बाद मीडिया में ध्यान दो, मोर सारा मीडिया का पूरा आएगा, हां मीडिया मीडिया सारा मीडिया मीडिया सामने ठीक है, आप लिख के दो, हम करते हैं लिख के दे दो, कोई बात नहीं, ले उठा लेंगे, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है जो तुम देख रहे हो सारा, लाइव टेलीकास्ट में एसडीएम और आरसपुरा जो तहसीलदार है, इन्होंने एक आश्वासन दिता है कि यह हमें ही लिख के इन्हों देंगे पेपर के उत्ते, हमें ही लिख के जरा पेपर के उत्ते देंगे, तहसीलदार एस टी एम साहब ने आश्वासन दिता है कि हमें असी रिटर्न के लिख के देंगे, वो की रिटर्न लिख के देंगे, देख के असी बाद डिसीजन लेंगे, तुहाडे सामने ही एस टी एम साहब इतने बैठे सन साडे विच, उन्होंने आश्वासन दिता है कि मैं रिटर्न के लिख के दिता, और बंदे डीसी साहब को रिकमेंड करे तो की लिख के देंगे ना, उसके ऊपर वो पढ़ के असं उसके बाद कार्रवाई करते हैं, फैसला तो तुसीं देख रहे हो लाइव तस्वीरां रमन कुमार जिसने लड़कियां नूं छेड़दे हुए गुंडियां दे नाल जो है वो जाके उन्होंने रोकने की कोशिश की और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, तो आओ उन्होंने वाइफ जिहड़े ने वो साडे नाल जुड़े ने, और एक छोटी बच्ची तुसी देख रहे हो जिसका कोई कसूर नहीं सी, बिल्कुल ही छोटी बच्ची 4-5 महीने की बच्ची है, और इसनों हजे तक यह नहीं पता कि ये हो की रहा है, तो इस वेले तुसी लाइव तस्वीर देख रहे हो, आओ असी भैन जी दे नाल गल करते हैं, भैन जी एक बार तुसी दसोगे कि हादसा की सारा वापरिया सी, सारे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड का ब्याह ही तक रही बरात ने, अंदर कुछ मुड़े कुड़ियों की छेड़े लगे रहे, छेड़छाड़ की, जबकि रमन कुमार ने रोकने की कोशिश की है, वो मुड़े हमला कर गया, अस थोड़ा जा बाहर निकली आए, नहीं बचाई एरिया का, उसे 40-50 बंदे हिले जिंदे सानू आइडेंटिफाई ने विशाल राजू गिनी ये सानू आइडेंटिफाई ने, लेकिन पुलिस ने नहीं तो अजे तक नहीं फड़े था, खाली दिलासा दे, देन असें डीएसपी ऑफिस गए, साड़ी कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ ही नहीं फड़ा गया, असें डीएसपी ऑफिस गए, डीएसपी ऑफिस देन आए एफआईआर की कॉपी लैन गए, डीएसपी साहब उत्थे नहीं आए, एफआईआर की कॉपी लैन गए, उत्थे मुंशी ने बहुत बदतमीजी करने गल की थी, कि तो थोड़े नाल मुंशी ने बदतमीजी की थी, किस तरह की बदतमीजी, मतलब बदतमीजी ये है कि वो बोल दी कि तुम डीएसपी ऑफिस क्यों गए, एक किस्म का थ्रेड मारिया कि अहे इतने की करा रहे हैं, ये वो मतलब बदतमीजी है कि डीएसपी ऑफिस क्यों गए,
तो तुसी देख रहे हो कि एक पुलिस अधिकारी जो मुंशी सी आरसपुरा दा उन्होंने उसने भी इन्हां दे नाल देखो एक मतलब फीमेल दे नाल जिहड़ी है बदतमीजी कीती। उन्हां नूं कहा गया कि तुसी इत्थे की लैण आए हो। तो यह छोटी बच्ची तुसी देख रहे हो लाइव तस्वीर ते इह तुहाडे नाल जो सुनने च आया सी कि कुछ मीडिया वाले कह रहे सी कि डीजे दे गाने दे उपर कोई ऐसा कुछ होया। डीजे दे गाने ते कोई गल नहीं है, सिर्फ एक कुड़ियां दे छेड़छाड़ दा मामला है। मेरे हस्बैंड उन्हां नूं रोकने दी कोशिश कीती और मेरे हस्बैंड ने अपनी जान। तो तुसी उस मीडिया वाले तक अप्रोच कीती कोई? आशीष कोहली मैं उसी फोन करा दी, उन्हें फोन है नहीं चुकिया। दैन कमेंट्स विच उहदे खिलाफ मेरे कजन्स वगैरह, सानू तो टाइम नहीं है। असें ऐसी हालात विच है कि असें कुछ नहीं, उसे ना उसे फोन करी सकने, नहीं उसे ब्लेम करी सकने। असें ते खाली मेरे कजन्स ने उन्हें कमेंट्स कीते ने कि तुसें जो भी रिपोर्ट तैयार की थी है ये सब गलत है। तो हुण तुसी की चाहते हो कि? सर मैं की चाहनी है, मेरी छोटी जी बच्ची है, मैं सिक्कियां पालना है क्योंकि रमन कुमार ही सारे फैमिली विच जिहड़े कमाई है सानू खिलांदे ने। अज दे दौर च मैं अपने सिक्कियां पालना और सिक्कियां पालना। ये बुढ़ा बुढ़ी है, देखो इनकी की हालत है। मैं मेरे सोहरा वो मेंटली प्रॉब्लम कन्नै डिस्टर्ब है, उनकी दवाई महीने महीने आती है, उन्हें कुत्थों लिया। मतलब कि तुहाडी फैमिली जिहड़ी है वो हैंड टू माउथ हो गई है। हाँ जी हाँ जी। तो तुहाडी क्वालिफिकेशन के आधार पर तुम चाहते हो कि तुहानू कोई जॉब वगैरह मिले? हाँ जी, क्योंकि मैं अपनी बच्ची का फ्यूचर सेट करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ही प्राइवेट जॉब करते ही चाहते ही कि मेरी बेटी का फ्यूचर जो सेट होना चाहिए है। बहुत बहुत शुक्रिया भैन जी थोड़ा। तो तुसी देख रहे हो कि किस तरीके दे नाल इत्थे सारी पब्लिक जिहड़ी है वो चाहती है कि इन्हां नूं इंसाफ मिले। रमन कुमार की जिहड़ी निर्मम हत्या की गई सी ते इंसाफ की मंग कर रहे ने, अते जिहड़ी उन्हां दी वाइफ ने जो कि काफ़ी पढ़े लिखे ने चाहते ने कि उन्हां नूं कोई, क्योंकि इन्हां दी फैमिली जो है हैंड टू माउथ हो गई है। इन्हां दे घर दा जिहड़ा गुजारा सिर्फ रमन कुमार दे ही कारण चलदा सीगा, तो अज रमन कुमार जिहड़ा है वह इन्हां नूं छड़ के चला गया है। तो पांच आदमियों का नाम है कहिंदे कि असी रिटन दे विच दित्ता होया है पर हजे तक शायद उन्हां दी गिरफ्तारी नहीं हुई, यह गिरफ्तारी की भी मंग करते हैं। तुसी देख रहे हो लाइव तस्वीर आपसी साई टीवी ते। आपसी साई टीवी ते तुसी देख रहे हो लाइव अपडेट मीरा साहब तो, जो कि आरसपुरा रोड नु बंद किया गया है। मलिकपुर मीरा साहब विखे आरसपुरा जम्मू रोड नु बंद किया गया है। रमन कुमार की जिहड़ी निर्मम हत्या एक शादी दे विच लड़कियां नु छेड़ रहे कुछ गुंडियां दे अगे डट के खड़े होण दे कारण इहदी जिहड़ी है वो हत्या कर दित्ती गई। इन्हां दी सारी फैमिली अते सारा समाज इत्थे खड़ा है इन्हां दे नाल और इंसाफ की मंग कर रहा है। तुसी देख रहे हो लाइव तस्वीर। मौके ते एसडीएम आरसपुरा अते तहसीलदार आरसपुरा ने पहुंच के आश्वासन दिता है कि वह कुछ ना कुछ रिटन दे विच इन्हां नूं दे के जाणगे, क्योंकि इन्हां दी मंग सी कि सानू वर्बली आश्वासन नहीं चाहिदा, सानू रिटन दे विच कुछ दिता जावे ताकि उहदे उपर मुड़ के कोई कागजी कार्रवाई भी हो सके, ना कि सिर्फ गल्लां दीआं गल्लां रह जाण। तो तुसी देख रहे हो लाइव तस्वीरां, तुहाडे साडे नाल बने रहो, अगे फिर भी तुहाडे तक अपडेट लैके पहुंचांगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी।